अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज अहमद लतीफ गुमन। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं हम किस तरह से अपने जो यूज़र है, मतलब हमारा जो राउटर है, हमारे पास जो इस राउटर है, ये है राउटर बोर्ड माइक्रोटिक का। इसका मॉडल है 750UP। तो ये हमारी कुछ एक सीरीज चल रही है हमारे नेट इसकी कन्फिग्रेशन की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से हॉट स्पॉट को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से इसके जो यूज़र है प्रोफाइल वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया अपने राउटर को, आईपी में जाएंगे, यहाँ से हॉटस्पॉट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम बनाएंगे यूज़र प्रोफाइल। यह हमारे पास दो तरह की प्रोफाइल होती है, एक सर्वर प्रोफाइल होती है, एक यूज़र प्रोफाइल होती है। हम बना रहे हैं इस वीडियो में यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल के बाद जो है ना वो हमारा सर्वर प्रोफाइल की तरफ जाएंगे। तो खैर, हम यहाँ पे आ गए अपने हॉटस्पॉट में, आपको दिखा देता हूँ हॉटस्पॉट आईपी में जाके। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन है यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल में बेसिकली होता क्या है, अगर आप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि कुछ लोग होते हैं, अगर उनको हम नेटवर्क में ऐड कर दें तो वो हमें हमारी जो मंथली फीसेज वगैरह होती हैं या जो पैकेजेस होते हैं उससे ज्यादा आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर जो अगर हम मैनेज नहीं करेंगे अपने हॉटस्पॉट पर यूजर प्रोफाइल को तो उनको सेम टू सेम नेटवर्क चलता रहता है। इसमें बेसिकली हम कुछ टाइप क्रिएट कर देते हैं या कुछ कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं अपने नेटवर्क की। फॉर एग्जांपल, किसी को हम देना चाह रहे हैं 10 MB का कनेक्शन, किसी को 20 और किसी को 30, किसी को 50 और किसी को 100। ये सेटिंग जो है वो यूजर की इसमें क्रिएट करते हैं। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी, हम आ चुके हैं हॉटस्पॉट पे। यहाँ से यूजर प्रोफाइल में ये डिफॉल्ट है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें प्लस पे क्लिक कर दें। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे न्यू हॉटस्पॉट यूजर प्रोफाइल, इसमें बेसिकली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम दो तीन कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 10 MBPS, सॉरी एस। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको ताकि दोबारा दोबारा से जरूरत नहीं पड़े। ओके, ये हमने इसका नाम दे दिया है। अब यहाँ पे एड्रेस पूल है, यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये DHCP पूल चाह रहा है। हम यहाँ से इसको DHCP कंट्रोल करेंगे तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं DHCP पे। और इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसकी जो रेट लिमिट है ना वो यहाँ पे शो हो रही है। बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे अब उसको कितनी अब इस पैकेज में कितना अप अपलोड देना चाह रहे हैं, कितना डाउनलोडिंग देना चाह रहे हैं वो इसमें होगी। तो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ये हमारी होती है डाउनलोडिंग। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोडिंग देना चाह रहा हूँ, सॉरी अपलोडिंग, अपलोडिंग फर्स्ट में होती है। मैं इसको देना चाह रहा हूँ 7 MBPS की अपलोडिंग। तो उसके लिए मुझे 7 N कैपिटल लिखना पड़ेगा, फिर स्पेस एंटर करना पड़ सॉरी स्लैश देना है, और फिर 10। ये जो 10 है ये हमारी होती है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग का कोई इशू नहीं है, वो मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसको मैं 10 के बजाय 20 भी कर दूँ तो कोई मुझे इशू नहीं है। बेसिक मसला है मुझे जो ना वो अपलोडिंग का है। तो खैर, अपलोडिंग हमने दिया 7 MB और डाउनलोडिंग हमने दे दिया इसको 10 MB। और ये जस्ट सिंपल है, यही करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो एड मै कुकीज है इसको चेक रहने दीजिए, इसको अनचेक करना नहीं है आपने। ये जो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है यहाँ पे कुछ टाइम होता है कि ये चेक होती है, हमने इसको अनचेक करना है। तो यही है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर आप नेक्स्ट आप टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे रिलेटेड मतलब लेक्चर से कुछ भी नहीं है। तो खैर, यहाँ से हमने इसको ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसकी कॉपी के लिए करना चाह रहा हूँ एक और, वो मैं कॉपी पे करूंगा। आप इसको 1x1 प्लस पे जाके भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहता है, इसलिए मैंने इसको ये शॉर्टकट सा क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसको कर देते हैं हम 20 MB का कनेक्शन, और DSP पूल वही रहेगा। यहाँ पे 7 के बजाय हम कर देते हैं 15। और यहाँ पे जो इसकी डाउनलोडिंग है इसको कर देते हैं 25 कर देते हैं, क्योंकि आप सो रहने देते हैं तो ऐसे जो हमारे कहाँ कहने वो खराब हो जाएंगे। खैर, ये मैंने कर दिया। अब फिर भी इसको मैं अप्लाई करता हूँ, सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ये हमारे जो दो हैं प्रोफाइल वो क्रिएट हो चुकी हैं। और ये थर्ड वाली है, इसमें भी हम यही लास्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इसको मैं दे देता हूँ 30 MBPS, 30 MBPS। ओके, और उसके बाद अपलोडिंग जो है वो मैं 55 कर देता हूँ, 25 सॉरी, और डाउनलोडिंग जो है वो 30 कर देता हूँ। तो खैर, ये हमारी सेटिंग है, इसको हमें यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ।
तो ये हमने कुछ इसकी कैटेगरी क्रिएट कर दी थी, मतलब कुछ को यूजर को हमें 10 MB का कनेक्शन देना, ये उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या फिर उसके जो पेमेंट है उस पे जो हमें पे करेगा, और कुछ को 20 दे देंगे, कुछ को 30। तो आई होप आप लोगों की वीडियो की समझ आ चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमाउंट अल्लाह हाफिज़, किस तरह से अलाउ करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।